हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब भी परीक्षाओं का दिन नज़दीक आता है और हमें पता रहता है कि फला तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, तो लगातार एक प्रतियोगी छात्र के ऊपर दबाव सा बनने लगता है कि हम कैसा परफॉर्मेंस करेंगे परीक्षा में, हमारा रिजल्ट सकारात्मक रहेगा या फिर नकारात्मक। तो ये स्वाभाविक दबाव बनता है, ये हर परीक्षार्थी के साथ ऐसा होता है। तो इसी पर मैं बातचीत करूंगा और इसमें कुछ अपने अनुभव को भी शामिल करूंगा, जिससे कि आप सभी को कुछ मोटिवेशन मिलेगा और कुछ उत्साह और मनोबल भी आपका बढ़ेगा कि प्रायः सभी के साथ ये होता है। बात मैं तब की करूंगा जब मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुआ था और मेरी नियुक्ति कबीरधाम जिला में हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और जब मैं ज्वाइनिंग किया था उसके लगभग एक साल के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव आने वाला था, तो उस चुनाव को संपन्न कराने के लिए दो तीन महीने पहले से ही ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। और ट्रेनिंग करने के बाद जब हमारा आखिरी दिन था, तो उस दिन उस ज़िले के जिलाधिकारी महोदय आए और जितने भी वहाँ के पदाधिकारी थे, पीठासीन P1 P2 P3, ये सब जब आप चुनाव संपन्न कराए होंगे तो इन शब्दों से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो कि कहीं कहीं जॉब में हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को चुनाव कराने का अनुभव मिला हो। चुनाव की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी दिखी, समानता दिखी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं। तो हमारी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई तो जिलाधिकारी महोदय ने सबको मोटिवेट करते हुए कहा कि आप लोग जाइए, चुनाव को अच्छे से संपन्न कराइए। आप लोग जिस दिन चुनाव होने वाला था उस दिन के सेनापति हैं और आप ही के निर्देशन में सब कुछ संपन्न होगा और सफलतापूर्वक चुनाव कराइए। सारे लोग मोटिवेट थे, मेरा भी ये पहला अनुभव था और मैं भी थोड़ा सा उत्साहित था और डरा भी था, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी लगी थी वो जिले के थोड़ा सा जंगली और नक्सली प्रभावित एरिया में लगी हुई थी। और मैं पहली बार देखा कि मेरे साथ करीब 30 से 35 सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं, वो भी स्पेशल फोर्स के सुरक्षाकर्मी हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था और पहली बार अच्छे से जंगल देखने का मुझे मौका मिला। तो ये एरिया चिल्फी घाटी वहाँ पर है, उसके थोड़ा सा आगे था। जब मैं गया तो देखा कि छोटा सा प्राइमरी स्कूल है और आसपास बहुत खास कोई गांव नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास में मतदाता हैं, तो मुझे लगा कि हो जाएगा चुनाव अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में मैं देख रहा हूँ 6 बजे के आसपास में कि खूब लंबी लाइन लग गई है, सारे मतदाता एकदम अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। फिर जो हमने ट्रेनिंग लिया था उस ट्रेनिंग के अलावा हमें अपने व्यावहारिक ज्ञान का भी उपयोग करना पड़ा। ठीक है, ट्रेनिंग अलग होती है और जब भी आप उस क्षेत्र में उतर जाते हैं तो वो व्यवहारिक ज्ञान उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ पहुँचाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने कमरे में किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कोचिंग के नोट्स के माध्यम से लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो उसका अनुभव एक अलग ढंग का अनुभव होता है और वहां पर सारे कैंडिडेट एक बराबर लेवल पर आ जाते हैं। वहां पर अब ज़रूरत होती है अपने व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करना कि हम जो सैद्धांतिक रूप से पढ़े थे अब उसको व्यवहारिक रूप से कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो ये इस चीज़ को चुनाव के समय में भी करना पड़ता है और परीक्षा हॉल में भी इसको यूज करना पड़ता है। तो खैर, हमने चुनाव को संपन्न कराया 5 बजे और लिखा गया था कि यहीं पर सारे जो भी आंकड़े हैं, कितना वोटिंग हुई, कितना प्रतिशत वोटिंग हुई, मेल फीमेल का कितना रहा, सब कुछ बताना होता है। तो मेरे दिमाग में था कि यहीं पर उसको मुझे करना पड़ेगा और जो भी EVM मशीन होती है उसको भी सील इत्यादि करना पड़ता है, ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अचानक एक सुरक्षाकर्मी आया, बोला कि अब सर पूरा मशीन उठाइए और इसको मुख्यालय लेकर चलिए, यानी कि कबीरधाम मुख्यालय लेकर चलना है। ये व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत आ गया, क्योंकि जो नोटबुक मिली थी,
जो पुस्तिका मिली थी चुनाव पुस्तिका, उसमें सब कुछ है कि आप केंद्र पर ही करेंगे, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको मुख्यालय के अंतर्गत ले गया है। तो ये नया अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। इसी तरीके से परीक्षाओं में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में तो कुछ है, लेकिन जब हम प्रश्न पत्र को देखते हैं तो उसके मुताबिक हमें हल करना पड़ता है। ठीक है, आमतौर पर मैंने देखा है कि जैसे ही हम परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, अब तो वर्तमान समय में दो तरीके से परीक्षाएं होने लगी हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन अपने हाथ में होता है कि कहां पर कैसे क्या भरना है, तो सबसे पहले आप अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, आपका रोल नंबर है, बुकलेट सीरीज है, सेंटर कहां पर है, जो भी चीज़ें हैं उसको आराम से आप भरिए, और जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है उसको भी अच्छे से भरिए। अगर आप ऑफिशियल जो भी डेटा है, आंकड़े हैं, उनको अच्छे से भर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका 50% एग्ज़ाम अच्छे से हो गया है। वरना कई बार हमने देखा है कि लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को हल करने के चक्कर में ऑफिशियल डेटा को उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसमें बहुत गलतियां कर देते हैं जो कि बाद में उनके परिणाम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसको पहले नंबर पर ध्यान में रखिए और फिर अपने को कूल कर दी जाइए, क्योंकि ये जब चीज़ों को भरेंगे आप तो अब धीरे धीरे आप अपने को परीक्षार्थी के तौर पर देखेंगे। पहले आप छात्र के रूप में थे, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं परीक्षा हॉल में हूँ और प्रक्रिया से धीरे धीरे गुजर रहा हूँ। मान लीजिए आपने ऑफिशियल आंकड़ों को अच्छे से भर लिया, इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी दो तरीके से क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। एक तो शुरू से क्वेश्चन पेपर देखते जाते हैं, जो आता है उसको टिक लगा देते हैं और हल करते जाते हैं, और क्वेश्चन अगर 100 है तो 100 तक जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, 1 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस चीज़ में आप कंफर्ट महसूस करते हो उसी के हिसाब से करिए। ठीक है, अगर बाय द वे आप क्वेश्चन पेपर देखे और शुरू से ले मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर घबराना नहीं है। अब आपको यही ध्यान में रखना है कि अपने व्यवहारिक ज्ञान को वहाँ पर यूज करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हो सकता है कि 100 सवाल हैं और कठिन से कठिन सवाल आपको शुरू में ही मिल गए हों। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की खास विशेषता ये होती है कि अगर बल्लेबाजी करने कोई आता है तो उस टीम का जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होता है वही शुरू में आता है, और गेंदबाजी की तरफ से देखेंगे तो जो टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज होता है वही बॉलिंग करने आता है शुरू में। तो अब आपको यहाँ पर अपने व्यवहारिक ज्ञान को लागू करना है कि अगर क्वेश्चंस आपको कठिन लग रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बल्कि उनको छोड़कर आगे देखना है कि हमें और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें से करीब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके लिए कठिन होंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आप घबराएंगे तो जो आते हुए प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर वो भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं जब आप घबराना शुरू कर देते हैं, आप बार बार पानी पीना शुरू कर देते हैं, आप वॉशरूम जाना शुरू कर देते हैं, आप आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ से आपको बिल्कुल उबरना है। जब आपने महीनों का समय दिया है अपने तैयारी पर, तो आप जाहिर सी बात है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, बाद में धीरे 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 जैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको लगेगा कि अरे मैं शुरू में फालतू में घबरा रहा था, बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर मुझे आ रहे हैं। अगर 100 सवाल हैं तो आप देखिए कि उसमें से आपने 70-75 सवाल सही किया है कि नहीं। अगर किया है तो मान लीजिए आप बहुत बेहतर स्थिति में। बाद में जो कठिन क्वेश्चन हैं उनको आराम से पढ़िए, फिर ऑप्शन को ठीक से देखिए कि जो जो नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में किससे मैच करता है। अगर मान लीजिए कोई कथन दिया गया है तो कथन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस आलोचक का है, तो घबराइए मत, आप ऑप्शन को देखिए, फिर कोरिलेट करिए कि कौन इसको कह सकता है। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को करते हों, लेकिन परीक्षा परीक्षा होती है, ज़िंदगी में रोज़ हम किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर इस व्यवहारिक ज्ञान को आपको ध्यान में रखना है। फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन फला कथन से जुड़ सकता है, फिर आप सॉल्व कीजिए। कई बार हमने देखा है कि ऑप्शन में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहता है तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि
आंख बंद कर कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सही मान लेते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि इसमें दिमाग लगाते हैं, तो हो सकता है कि कई बार दिमाग लगाने की वजह से उनका आंसर गलत हो जाए और सही जवाब क्या हो जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हो जाए। लेकिन ऐसा 95% होता है, 5% अभी ऐसा है कि कुछ शुक्ल जी के कथन से मिलते जुलते दूसरे के भी कथन हैं, क्योंकि आपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ा और हिंदी साहित्य संवेदना और विकास पढ़ा, तो ये जो पीछे के आलोचक हैं वो शुक्ल जी के कुछ बातों को मिलती जुलती शब्दों से अपने भी कथन को उन्होंने कहा, तो 5% इस तरीके से कथन आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिए। नहीं तो फिर अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही आप भी टिक करके आइए, अगर नहीं आ रहा है तो उन्हीं को टिक करिए। तो ये तो कठिन क्वेश्चंस को मैंने बताया। आमतौर पर क्या होता है कि कठिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए होते हैं, न कि आपके लिए। तो क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपको कठिन लग रहा है तो ये मान कर चलिए कि जितने भी परीक्षार्थी बैठे हैं सबके लिए कठिन होगा। एक मैं अपना अनुभव और बताता हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था बीए का, ये बात मैं सन 2006 की बता रहा हूँ, और एग्ज़ाम देने गया तो पहली बार मैं इलाहाबाद गया था, तो इलाहाबाद को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे फैंटेसी थी, बहुत मैं बनाया हुआ था अपने दिमाग में कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैं सबसे पहले दारागंज स्टेशन पर उतरा, जो कि ऊंचाई पर है और थोड़ा सा मुझे गहराई में जाना था नीचे, और मैं देखा सड़क तो चौड़ी चौड़ी थी लेकिन खूब भैंसें उधर से आ रही हैं, तो मुझे लगा कि इलाहाबाद का नाम मैंने इतना सुना हुआ है और देख रहा हूँ हर तरफ गोबर हुआ है, इधर गोबर उधर गोबर, और वैसे ही गाँव की तरह ही लग रहा था। ठीक है, तो अब मैं शहर का पूरा बिंब अपने दिमाग में बनाया था। फिलहाल मैं गया जहाँ पर मुझे रुकना था, वहाँ पर एक पहले से ही लड़का था जिसके बड़े भाई साहब वहाँ पर तैयारी करते थे, और मैं तो खुद अपने घर में बड़ा, तो पहली बार गया था इलाहाबाद। आपने एक चीज़ देखा होगा कि किसी का भी गार्जियन, चाहे वो माता पिता हों चाहे कोई भी हो, वो अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे के बच्चों पर विश्वास करते हैं। आप लाख अच्छे हैं पढ़ने में, फिर भी उनको लगता है कि इसमें अभी कुछ न कुछ कमी है। वहाँ पर मैं गया तो एक लड़का था पहले से ही वहाँ पर तैयारी कर रहा था, और मैंने देखा कि वो बार बार हिचकी उसको आती थी तो वो पानी पी लिया करता था, तो मैं उसको बहुत ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि ये हिचकी लेने के बाद पानी क्यों पी रहा है। आमतौर पर मैं तो अकेले ही तैयारी करता था, मुझे ग्रुप में इस तरीके से तैयारी करने का कभी मौका भी नहीं मिला, तो उससे मैंने पूछा तो बोला कि ये पानी की कमी से हिचकी आ रही है। हमने कहा अच्छा। फिर वो मेरे पापा के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए मुझसे एक सवाल पूछा कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो मैं भी पूरा लूसेंट प्रतियोगिता साहित्य सीरीज और जितनी भी किताबें होती हैं, दो तीन किताबें मैंने बढ़िया से पढ़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि लाइकोपिन के कारण लाल होता है टमाटर का रंग। तो मेरे पिताजी मुझे ऊपर से नीचे देखे और उनको लगा कि नहीं कुछ कुछ पढ़ा है। इसके बाद वो जो लड़का था, सुबह में जहाँ पर मेरा सेंटर था संयोग से उसका भी सेंटर था, और सेंटर पर पहुँचने के बाद वो मेरे पास आया और बोला कि 10वीं का मार्कशीट लाए हो कि नहीं। तो मैंने सोचा कि अब एडमिट कार्ड जरूरी है, मार्कशीट की क्या ज़रूरत है। तो बोला कि पढ़े नहीं थे, बुकलेट में दिया हुआ था मार्कशीट लेकर आना है। तो हमने कहा यार बुकलेट भी मैं ठीक से पढ़ा था, कहीं नहीं लिखा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि गार्जियन दूसरे पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मेरे पिताजी मुझे कहने लगे कि तुम ही ठीक से नहीं पढ़े होगे, वो लड़का सही बोल रहा है। अब वो जो लड़का था वहाँ से रिक्शा किया और आ गया दारागंज जहाँ पर उसका रूम था मार्कशीट लेने के लिए, और मैं वहीं था, और मुझे बिना मार्कशीट की ज़रूरत ही नहीं थी, वो सब डी कुमार्स करके एक गाइड थी, उसी को पढ़े थे और उसी गाइड में ये सब दिया हुआ था। ठीक है, तो गाइड जब आप पढ़िए तो ध्यान से उसको देखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उसमें सही हों। जब वो मैं तो एंट्री कर गया, वो लड़का आया बड़ा लेट हो गया उसको। ठीक है, उसका दूसरे कमरे में था और मैं अपना सवाल सब हल कर रहा था। जब एग्ज़ाम हो गया तो इसके बाद वो आया मुझसे मिलने के लिए, बोला कि रजनीश ने कितना सवाल सही किया है। हमने कहा यार सही का तो अभी नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन 150 में माइनस मार्किंग है तो मैंने 90 सवाल किए हुए थे। तो बोला कि मैंने तो 120-130 सवाल कर दिया है और मैंने दूसरे को नकल भी कराया। तो मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ी अजीब हंसी सी आई। हमने कहा कि व्यक्ति यहाँ अपना तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नकल भी करा ले रहा है, तो बड़ा मतलब है। फिर उसने 2-3 सवाल मुझसे पूछा कि फलां क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो मैं बोलता था कि मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए कठिन था।
फिर दूसरा सवाल पूछा, वो भी कठिन था, मैं उसको छोड़ दिया था, बोला कि इसका क्या आंसर लिखे हो, मैंने बोला कि मैं नहीं किया हूँ इसको। फिर तीसरा सवाल पूछा कि इसका क्या आंसर किए हो, मैंने बोला कि मैं नहीं किया हूँ इसको। तो मेरे पिताजी मेरे साथ थे, तो वो गुस्से में मुझसे कहे कि तब तुम किए क्या हो। हमने कहा कि सवाल करीब 120 सवाल या 150 सवाल थे ऐसे कुछ, तो जो मुझे आ रहे थे मैं वही किया हूँ क्योंकि माइनस मार्किंग थी। तो अब उन्होंने कहा कि तुम 90 सवालों को एक कॉपी पर नोट करके मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पहली बार इलाहाबाद गया था, मुझे शहर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और मैं ट्रेन में बैठा और उस लड़के से मैंने कहा कि जब रिजल्ट आएगा तो ज़रूर बताना। बोला कि हाँ बिल्कुल मैं बताऊँगा। और मैं ट्रेन में बैठा और थोड़ा थोड़ा मैं सोचने लगा कौन कौन सा सवाल आया था, उसको नोट करते जाता, और 90 का 90 सवाल मैंने कॉपी पे नोट करके अपने पिताजी को दिखाया। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरे कुल 140 नंबर के आसपास में थे और उस लड़के के 75 नंबर थे। तब जाकर मेरे पिताजी को विश्वास आया, उन्होंने कहा कि वो भी लफाजी करता था क्या। मैं जानता था कि गार्जियन क्या होते हैं कि दूसरे पर ज़्यादा विश्वास करते हैं अपने बच्चों के, ये स्वाभाविक होता है। तो ये सब स्टोरी अनुभव बताने का कारण सिर्फ एक ही था कि कठिन क्वेश्चन को छोड़ना आपके लिए भलाई अगर माइनस मार्किंग है तो, नहीं तो तुक्का इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। कठिन क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं है, अगर कठिन क्वेश्चन से घबराना शुरू कर दिए तो आपके जो आते हुए उत्तर होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और परीक्षा में खासतौर से अपने ऊपर तो नियंत्रण रखना ही है, अधिक से अधिक आप सही क्वेश्चन करें, इसके लिए आखिर तक करते रहिए। जैसे मैंने जो बताया कि वो लड़का बोल रहा था कि हमने दूसरे को नकल भी कराया है, तो हो सकता है कि उस दिन 3 घंटे के हीरो आप हों, लेकिन बाद में आपका जो परिणाम आए तो फिर आपको निराशा हाथ लगे। इसलिए अगर आप गए हैं तो खुद के पेपर पर आप ध्यान में रखिए, दाएं बाएं बहुत ज़्यादा विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सावधानियों को ध्यान में रखिए, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आप लगातार मेहनत किए हैं तो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, उसका रिजल्ट अच्छा ही रहता है। तो लगातार मैं भी मेहनत करता रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग भी लगातार पढ़ते रहें, और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मेरे से इतने अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं कि कई बार जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होती है वो तलवार पे चलने के बराबर होती है, और उसमें बड़ा खतरा होता है। सब्जेक्टिव पढ़ाई में व्यक्ति कुछ भी बोल के थोड़ा चला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन का भी आंसर आपने गलत बता दिया तो इसका प्रभाव बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। अच्छा, मानवीय गलतियाँ होती रहती हैं। अगर हमने 100 क्वेश्चंस का पेपर सेट बनाया है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर हो सकते हैं। वैसे मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करके आंसर को देखने की कोशिश करता हूँ कि गलत ना हो, 100% हो, लेकिन मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं वो सही उत्तरों को कमेंट्स कर बताते हैं, और बहुत ही संस्कारित अपने चरित्र के माध्यम से। ये नहीं है कि कोई बोल दिया कि तुमको पढ़ाने नहीं आता है, तुमको ये नहीं करने आता है, तुमको वो नहीं करने आता है। 1-2 अभी तक मुझे कमेंट्स ऐसे दिखे हैं जो कि वो लगता है कि खुद से परेशान होंगे इसलिए इस तरीके से लिख दिया करते हैं। बाकी और सारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे हैं और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और मैं इसी उम्मीद में रहता हूँ कि परीक्षा सिर्फ आपकी नहीं है, परीक्षा मेरी भी है। जब आप लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी सफल हो रहा हूँ, और आप लोगों की सफलता ही मुझे आगे तक की सफलता में पहुँचा सकती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मानकर चलिए कि रोज़ ही हम एग्ज़ाम देते हैं, और आज का जो विशेष एग्ज़ाम है उसमें हमको अच्छे से पूरे 3 घंटे का जो भी समय है उसको यूज करना है और कोशिश करना है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ, मेरिट क्वेश्चंस के मेरिट के हिसाब से उनको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ जाइए। जैसे कि मैंने बताया ना क्रिकेट में कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बॉल पे आप रन बनाएं, कुछ बॉल हैं जिनको आपको सम्मान देना पड़ेगा, जिनको आपको डिफेंस देना पड़ेगा। तो इसी
व्यवहारिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आप परीक्षा को दीजिए, और नवरात्र का आज दिन है, मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जीवन में कुछ न कुछ नया होता रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि कैसा आप सभी को लगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।